जी ये क्या कर रही हैं आप? खाना बना रही हूँ। वो जूही के ससुराल वाले आ रहे हैं ना आज, उनके लिए। अरे लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। छोड़िए ये, छोड़िए। अरे नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दीजिए ना। मैं कर लूंगी, मैं जूही को बुला देता हूँ, वो कर लेगी। जूही को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बना दूंगी खाना। माधन जी आपको आराम की जरूरत है और मेहमान जूही के आ रहे हैं, ये काम भी तो उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप रुके, मैं बुला रहा हूँ। जूही, जूही। वो तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं, काम तुम कर लो। ये जो हर वक्त तुम्हारे चेहरे पे मजलूमियत तारी रहती है ना, इसका मतलब दुर्योधन मैं अच्छे से जानती हूँ। अब तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काओगी? जूही कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। आप तो चुप ही रहे उर्फी भाई, पता नहीं क्या घोल के पिलाती रहती है ये आपको। दुर्योधन अगर ये जादू तुमने अपने शौहर पे चलाया होता ना, आज तुम्हें कामयाब जिंदगी गुजार रही होती। जूही अब तुम हद से बढ़ रही। हद से तो ये बढ़ रही है भाई, हद से तो ये बढ़ रही है। अपने शौहर ने लिफ्ट नहीं कराई तो अब उर्फी भाई पे डोरे डालने का प्लान बना रही है। तुम्हारे जहन में जो गंदगी भरी हुई है उसको वहीं रखोगी तो बेहतर होगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए भी। अपनी घटिया सोच को अपने दिमाग में बंद रखो। मुझे थप्पड़ मारा है इस चुड़ैल की वजह से? आपने मुझे थप्पड़ मारा है? अम्मा को बताती हूँ। अम्मी, अम्मा को नहीं अब्बा को भी बुलाओ, सबको पता चलना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कितना गंद है। कितनी घटिया बात कर सकती हो तुम।